लाइक उसने तो मानने से इनकार कर दिया कि ऐसा हो ही नहीं सकता। वो हम निकल चुके हैं और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ और नर्वस भी हूँ। लग रहा है मेरे बाल। मैरिलिन, हाउ डू यू लाइक इट? गुड। थैंक यू। वो सक्सेसफुल होता है नहीं होता, कुछ सेलेक्ट ही नहीं हो रहा। सो हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग इट। सो आज हम एक बहुत ही स्पेशल काम के लिए जा रहे हैं, जो कि है मेरी हेयर कलरिंग, जो कि मैंने 2 साल पहले कराई थी। और काफ़ी लोग इसमें से मुझे कमेंट करते हैं कि आपने बाल कटवा लिए, तो मैं वीडियो के आगे आपको दिखाऊंगी कि मेरे बाल कैसे थे और मेरे साथ क्या मिस हैपनिंग हुई कि मुझे बाल जो है वेस्ट लेंथ से शोल्डर लेंथ तक चॉप कराने पड़े। तो आगे जाके देखते हैं क्या होता है, हेयर कलरिंग कराते हैं, सक्सेसफुल होती है नहीं होती है अगेन। सो लेट्स गो। और शाम को मेरे फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ पार्टी भी है, वहाँ पर भी चलेंगे। और गुड साहिब जी के रिएक्शन रिकॉर्ड करने तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, तो ये सब काम करने चलते हैं। सो लेट्स गो। एक तो यहाँ पर बहुत बड़ी दिक्कत है कि थोड़े दिन पहले तो समर आ गए थे, अब दोबारा से ही वो टेम्परेचर आ गया 2-1-1। सो बहुत डिसाइड ही नहीं होता कि गर्मियों के कपड़े डालें तो सर्दियों के कपड़े डालें। तो अभी तो मैं देख रही हूँ कि मुझे क्या पसंद आएगा, बट आना बहुत मुश्किल है भाई। वार्डरोब में मत जाना भी बिल्कुल भी। हमने अभी घर चेंज किया था, तो मैंने बिल्कुल भी अभी साफ़ सफाई नहीं की है। बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र अभी ऑर्डर किए अमेज़ॉन से आएंगे, हो सका तो आपके साथ वीडियो में मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो फिलहाल अपनी ड्रेस सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि शाम को हमने पार्टी पे भी जाना है। सो अच्छा तो दिखना बनता है, राइट? सो भी फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं ब्लैक ड्रेस डालूँगी। सो जब कुछ ना मिले ना, तो इट्स बेटर कि ब्लैक ही डाल लो, राइट? कि मैंने आपको बताया कि 2 साल पहले मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, जिसकी वजह से मुझे अपने वेस्ट लेंथ जितने बाल चॉप कराने पड़ गए थे। वो ये था कि मैं 2 साल पहले क्या कहते हैं, जब यहाँ पर नई नई कनाडा आई थी 2020 में, हेयर कलरिंग कराने गई थी किसी सलोन में, राइट? वो मुझे किसी ने रेकमेंड किया था, मतलब हाईली रिकमेंडेड था। उन्होंने जो मेरे बाल थे ना, वो ओवर ब्लीच कर दिए थे। ओवर ब्लीच करने की वजह से जो थे मेरे जो बाल थे, वो लाइक रबड़ की तरह नहीं होते, ऐसे टूटते हैं, ऐसे टूट रहे थे। और मैं घर आई, मतलब मैंने देखा वो बाल तो अच्छे लग रहे हैं, मतलब मैं इतनी ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं थी कलर से, बट मैं घर आई, मैंने सोचा ओह ये तो बढ़िया है, ये है वो है। तो रात, मतलब तब तो बंदे ने जूड़ा या स्टाइल वगैरह या कर्ल वगैरह करे होते, नहीं पता लगता। द मोमेंट आई टच माई हेयर, लाइक आई स्टार्टेड लाइक मेकिंग न्यू हेयर स्टाइल एंड ऑल, आई सॉ देर वॉज अ लॉट ऑफ ब्रेकेज इन माई हेयर, लाइक बहुत ज़्यादा ब्रेकेज थी। तो मैंने ऐसे एक स्ट्रिंग ऐसे किया, तो वो लिटरली जैसे रबड़ की तरह टूटते हैं ना बाल, वैसे टूट रहा था, जैसे कि ऐसे खिंच गया। एक तो होता है टूट जाना, एक होता है ऐसे स्ट्रेच हो जाना। मैं तो शौक हो गई, मैंने एक किया, दो किया, तीन किया, ऐसे मैंने बहुत सारे बाल किए, वो तो सब टूट गया है ना। मैंने गुरु साहिब जी को तब कॉल किया, मैंने कहा अरे ये जो हम कलर कराने गए थे ना, तो क्या कहते हैं उसे, ये तो बाल ख़राब हो गए मेरे, ये क्या हो गया? मैं मतलब मेरे को नींद नहीं आई उस रात, राइट? तो मैंने उसी लेडी को कॉल किया, मैंने कहा मेरे तो ओवर ब्लीच हो गई। वो माने ना, मतलब लाइक उसने तो मानने से इनकार कर दिया कि ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं गई अगले दिन, गुरु साहिब जी मुझे लंदन से आके नायग्रा फॉल से पिक करके मुझे मिसिसागा लेके गए थे। तो उसने मनी पैसे वापस कर दिए, पर मनी से क्या करना, वो चीज़ जो बाल तो वापस नहीं आएंगे ना, राइट? सो उसने मनी वापस कर दी। देन मैंने उसकी ऑब्वियसली गूगल रेटिंग बहुत ज़्यादा, मतलब अपने फ्रेंड्स वगैरह को कहा कि डोंट गो देयर, एवरीबॉडी वाज लाइक शॉक्ड एंड ऑल, बहुत बड़ा इंसिडेंट था। तो फिर एक दो दिन बाद मेरी कहीं और अपॉइंटमेंट थी, उन्होंने मेरे हेयर जो थे, उन्होंने कहा इसका एक ही सॉल्यूशन है, आपके हेयर जो है चॉप कर दिए जाएँ टिल हेयर, जहाँ से ब्रेकेज स्टार्ट है। तो लाइक आई वॉज दैट डे आई वॉज क्राइंग अलाउड। वो जो होता है ना, एक बंदे का मोटिवेशन होता है जो हाई लेवल पे, वो एकदम ग्राउंड लेवल पे आ गया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कभी ऐसे होना, बाल में करने में बहुत मेहनत लगती है। सो इस तरीके से इंसिडेंट हुआ। अब ये दोबारा कलर कराने में ना, सच में मुझे इतनी नर्वसनेस हो रही है ना कि मैं आपको, कि अब इतने बालों को और कितना चॉप करेंगे, राइट? तो हम देखते हैं कि वो सक्सेसफुल होता है नहीं होता। कैब नीचे आ गई है, भैया भाई मेरे को दूसरी बारी कॉल आ गए, राइट? तो चलते हैं। सो लेट्स गो और देखते हैं कि एंड रिजल्ट क्या था और गुरु साहिब जी के रिएक्शंस क्या होंगे। हम निकल चुके हैं और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ और नर्वस भी हूँ, दोनों एक साथ हैं, राइट? सो चलते हैं और देखते हैं कि कैसा होगा, क्या होगा। अभी रास्ता यहाँ से 15-20 मिनट्स दूर है और बस मैं करना चाहती नहीं थी, क्योंकि 2-3 बदलनी पड़ती तो उसका कोई फ़ायदा नहीं था, राइट? तो चलते हैं। भाई
प्रोसेस तो स्टार्ट हो गया, बहुत हैवी लग रहा है, पता नहीं कब उतरेगा ये सब पूरे हेयर में। ओह माय गॉड। इज दिस द लास्ट स्टेप? लास्ट स्टेप, माय गॉड। सो वी टुक एट लीस्ट 3 hours. Thank you for this amazing job, Dad. You're welcome. It looks so good. You won my heart. Thank you. So next time I'm gonna come to you, right? Thank you. This is not sponsored video, guys. Seriously, he did an amazing job because as I told you my story, somebody just ruined my hair and again I'm back with the blonde. Looks great. Yeah, thank you. You're so welcome. Much. Thank you. So guys, ये है मेरा new look. I hope आपको अच्छा लगा होगा, right? Comment down below. अभी गुरसाहिब सिंह जी के reaction लेंगे और अपने friends के भी देखते हैं कि वो क्या कहते हैं. So मैं उस चीज़ के लिए बहुत excited हूँ. So let's go. इस हडसन बे की बिगेस्ट सेल चल रही है, सो मैं तो यहाँ आई हूँ शॉपिंग वगैरह करने, और अगर मैं आई हूँ तो गुरसाहिब जी कैसे पीछे रह सकते हैं, राइट? सो उनका कॉल आया कि वो भी अभी आ रहे हैं ताकि वो भी सेल का मज़ा उठा सकें, तो देखते हैं उनका रिएक्शन मेरे बालों को लेकर क्या होगा. सो कैसे लग रहे हैं मेरे बाल? बढ़िया, बहुत अच्छे लग रहे हैं. हाँ, बहुत बढ़िया लग रहे हैं. रुको, कैसे लग रहे हैं मेरे बाल? अच्छे लग रहे हैं. अच्छे, बहुत सुंदर लग रहे हैं. बहुत सुंदर, डिफरेंट एकदम, वो पुराने वाली लुक, शादी से पहले वाली. तो शादी से पहले वाली लुक इनको याद आ गई है भाई, मेरे बाल देख पगड़ी से मैच हो रहे हैं. अच्छा लग रहे हैं. वेरी नाइस. नाइस, यू लाइक दैट? वेरी सुंदर, वेरी सुंदर. सो भाई गुरसाहिब जी का रिएक्शन तो बहुत ही जबरदस्त लगा. खुश हो आप? खुश हो? मैं तो खुश ही हूँ आपको हर तरीके से देख के. ओहो हो हो. सो गुरसाहिब जी को तो मेरे ख्याल से अच्छे ही लगे हैं, राइट? सो देखते हैं आप मेरे कलीग्स वगैरह का. देखो इसका ध्यान मेरे बालों पे है कि कहाँ कोई गलती है, मैं कुछ बोल लूँ. बहुत अच्छे लग रहे हैं. बहुत अच्छे, वेरी नाइस, वेरी नाइस. तो अब इसके बाद हम थोड़ा इन्जॉय करते हैं, आपको भी कराते हैं साथ में. लास्ट में चलेंगे अपने कलीग्स का रिएक्शन देखने, क्योंकि उन्होंने तो मुझे कभी देखा ही नहीं. उन्होंने तो शादी से पहले देखा था. उन्होंने नहीं कभी देखा मुझे. सो ये मज़ेदार ज़्यादा होगा, राइट? सर चले, मेरे को बहुत भूख लग रही है, मैंने कुछ नहीं खाया सुबह से. कोई भूख लग रही है? चलो भैया, मैंने लंच खाया था, बेगल खाया था, फ्रूट्स खाए थे, फिर भूख सी लग रही है, पता नहीं. खाना भी दिया था मैंने. चलो चलो चलो. सो भाई मुझे तो बालों को संवारने से फुर्सत नहीं मिल रही आज, राइट? सो अमीर लोग कनाडा में आके हेयर कलर कराते हैं, ये कुछ भी सोचते हैं. हम भाई कैनेडियन बन गए हैं, कुछ रहना तुमने भाई है, हीरोइनी भी तुम बुला. देख लो मेरा मजाक उड़ा रहा है. और गाइस ये अभी मुझे पार्टी दे रहा है मेरे कलर होने की खुशी में, ये मुझे सब्वे खिला रहा है. ये भूल जाते हैं कि भाई तुम आए दिल्ली से ही हो. भाई इसका कुछ सेलेक्ट ही नहीं हो रहा. क्या? कुछ सेलेक्ट ही नहीं हो रहा. लड़के नहीं डालते जैसे आजकल, तो ऐसे ओपन करके नीचे प्लेन टी शर्ट और ऊपर ऐसे ओपन करके थोड़ी मोटी सी शर्ट. हम समझ गए. समझ गए भाई, हमारी शॉपिंग वगैरह तो डन हो गई है. अब गुरसाहिब जी मुझे छोड़ने जा रहे हैं मेरी फ्रेंड्स के पास. यस, राइट? यस. सो वहाँ चलते हैं, और उसके बाद भी एक और जगह जाना है. साहिब जी मुझे लेने आएंगे और उसके बाद जाएंगे, राइट? यस. तो चल दो. शॉपिंग हो गई है, गुरसाहिब जी ने कर लिया शॉपिंग. अब चलते हैं अपने अगली डेस्टिनेशन की तरफ. सो भाई हम पहुंच चुके हैं बार्स किचन. बार्स किचन जाना है हमने, जो कि डाउनटाउन के बहुत पास में है. सो फिर कभी गुरसाहिब सिंह जी के साथ आएंगे यहाँ पर दोबारा से, बट अब चलते हैं. मेरे फ्रेंड्स का बहुत बड़ी कॉल आ गया और वो वेट कर रहे हैं. Hello everyone! I love your hair! Oh! How do you like it? Look at how colorful it is! Good? So nice! Marilyn, how do you like it? OMG! Oh, I like it! Hey dear Aisha! So guys, bye bye. Oh, love you. Thank you.
सो गाइस, पार्टी वार्टी करके घूम फिर के अब गुरसाहिब जी और मैं आए हैं मूवी देखने. कौन सी मूवी देखने आए हैं? Evil Dead. सुना है कि बहुत ही बड़ी हॉरर मूवी है. तो 10:15 का शो है और अब हम घर पहुंचेंगे आई थिंक 1-2 बजे, राइट? सो चलते हैं. गुरसाहिब जी इसलिए वीडियो में नहीं आ रहे, उसका रीज़न ये है क्योंकि उन्होंने पगड़ी उतार दी है. सो कोई बात नहीं, हम चलते हैं, पॉपकॉर्न वगैरह लेते हैं क्योंकि मूवी 10:15 की और 10:13 या 10:14 हो ही चुके हैं अभी. सो अंदर चलते हैं, मूवी देखते हैं. और अगर आज तक अभी तक की पूरे दिन की जो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कॉमेंट. एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय.